Today we will discuss about destructor. Okay. So in previous lecture we have already discussed about the constructor. So constructor हमने previous lecture में previous video में देखा है कि constructor क्या होता है. So constructor का use करके हम क्या कर रहे थे कि constructor का काम क्या है कि object को create करना. Fine. So उसके opposite है destructor का word. Destructor क्या करता है? By using destructor we can destroy the object. That means क्या होता है? Constructor का काम क्या होता है कि object को construct करना. Fine. But destructor क्या होता है कि destructor object जो भी constructor ने object create किए हैं class में उनको destroy करने का काम destructor का होता है. Fine. So constructor जब भी object को create करता है तो उस time क्या होता है कि कुछ memory allocate होते हैं by using object to the data member and data member function. जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करता है उससे क्या होता है कि कुछ मेमोरी एलोकेशन होती है डेटा मेंबर के लिए मेंबर फंक्शन के लिए. ओके. तो जैसे मेमोरी एलोकेशन होता है तो ये डिस्ट्रक्टर क्या करता है कि उस मेमोरी एलोकेशन को डिलीट करने का काम डिस्ट्रक्टर करता है. फाइन. तो जैसे कि हम कंस्ट्रक्टर को क्या करते थे पब्लिकली डिफाइन करते थे तो सेम हियर डिस्ट्रक्टर इज डिफाइंड ओनली इन पब्लिक विजिबिलिटी मोड. तो हम डिस्ट्रक्टर को क्या करते हैं पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं इन द क्लास. ओके. तो सेकेंड मेन पॉइंट ये है कि जैसे कि कंस्ट्रक्टर क्या करता था कि कंस्ट्रक्टर के टाइप्स होते थे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉपी कंस्ट्रक्टर. ओके. तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में क्या होता था कि कंस्ट्रक्टर डज हैव एनी पैरामीटर लिस्ट और आर्गुमेंट लिस्ट. ओके. तो कंस्ट्रक्टर क्या करता था कि कुछ पैरामीटर वो एक्सेप्ट करता था. Fine, but in destructor, destructor does not have any parameter list. तो destructor क्या करता है कि कभी भी कुछ कोई भी parameter list या argument वो pass नहीं करेगा. Okay. Then third point हमारा ये है कि destructor कोई भी return type destructor को नहीं लगेगी या कोई value return नहीं करेगा या कोई data type का use destructor के साथ नहीं होगा. Okay. तो ये तीन main point है आपको याद रखना है. एंड फोर्थ पॉइंट ये है कि डिस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर को डिफरेंस समझ में आने के लिए टिल्ड ऑपरेटर का यूज किया जाता है. जैसे कि प्रीफिक्स ऑफ टिल्ड ऑपरेटर दैट मीन्स जब भी हम डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करेंगे पब्लिकली तो उसके सामने टिल्ड ऑपरेटर का यूज करना कंपल्सरी होता है. तो ये इस ऑपरेटर का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं कि डिस्ट्रक्टर कौन सा है ये फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके. तो जब भी कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करेगा ऑब्जेक्ट को तो वो मेमोरी एलोकेट करेगा डेटा मेंबर के लिए. तो उसके लिए न्यू ऑपरेटर का यूज होता है. बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट एंड एलोकेट द मेमोरी. फाइन. सो उसके लिए कुछ सिंटैक्स है कि न्यू ऑपरेटर अगर कंस्ट्रक्टर को यूज करना है तो उसके लिए कुछ सिंटैक्स है जैसे कि पॉइंटर नेम न्यू ऑपरेटर एंड डेटा टाइप. ओके. तो ये सिंटैक्स है जैसे कि कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करेगा और कुछ मेमोरी एलोकेशन करेगा तो उसके लिए न्यू ऑपरेटर का यूज होता है. सो अगर न्यू ऑपरेटर यूज करना है पॉइंटर के साथ उसके लिए सिंटैक्स है पॉइंटर नेम जैसे कि कंसिडर करना है पी पी इज अ पॉइंटर नेम पी इक्वल्स टू देन न्यू ऑपरेटर एंड जो भी डेटा टाइप रहेगी वो फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश. फाइन. तो अगर ये एग्जाम्पल हमने प्रोग्राम में यूज किया तो इससे क्या होगा कि जो भी डेटा मेंबर हम प्रोग्राम में यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि कुछ मेमोरी अलोकेट होगी फॉर दैट डेटा मेंबर. फाइन. और डिस्ट्रक्टर को अगर जो भी कंस्ट्रक्टर ने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उन्हें अगर डिस्ट्रॉय करना है तो डिलीट ऑपरेटर का यूज किया जाता है. फाइन. तो बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लास. तो उसके लिए भी कुछ सिंटैक्स है डिलीट ऑपरेटर के लिए डिलीट ऑपरेटर है पॉइंटर नेम. ओके. फॉर एग्जांपल डिलीट जैसे कि हमने पी नाम का एक पॉइंटर डिलीट दिया था डिलीट. फाइन. तो बाय यूजिंग डिलीट ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर
ऑब्जेक्ट किए हुए हैं क्लास में उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम डिस्टर्ब करता होता है. फाइन. सो डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन द कंपाइलर एग्जिस्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन. जैसे ही कंपाइलर मेन फंक्शन से बाहर आता है वैसे क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा. ओके, सो लेट्स सी द एग्जांपल फॉर डिस्ट्रक्टर. फर्स्ट वी इंक्लूड हीडर फाइल्स iostream.h एंड punio.h. ओके, सो देन हियर वी क्रिएट अ टेस्ट क्लास. टेस्ट नाम को हमने यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है और ये एग्जांपल जो है ये पॉइंटर का एग्जांपल. ओके, सो हम यहाँ पे क्या किया है, हमने पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का होगा. सो int स्टार p. फाइन. दे आपको पता ही है कि जो भी कंस्ट्रक्टर हम या डिस्ट्रक्टर डिक्लेयर करना है क्लास में तो उसे हमें पब्लिकली ही डिक्लेयर करना होता है. सो वाई इज पब्लिक कीवर्ड, हियर वी डिक्लेयर टेस्ट कंस्ट्रक्टर. ओके, एंड डिस्ट्रक्टर सेम एज कंस्ट्रक्टर. डिस्ट्रक्टर भी सेम रहता है कंस्ट्रक्टर की तरह, जैसे कि क्लास में कंस्ट्रक्टर नेम सेम रहेगा. तो इस कंसेप्ट में क्या होता है कि क्लास नेम एंड डिस्ट्रक्टर नेम सेम रहता है. सो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है. तो अभी हमने देखा था कि अगर कंस्ट्रक्टर को ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है और मेमोरी एलोकेट करना है तो इसके लिए न्यू ऑपरेटर का यूज होता है. सो बाय यूजिंग न्यू ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा टू द डेटा मेमोरी. फाइन. तो हमने अभी सिंटैक्स देखा था, पॉइंटर नेम इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर एंड डेटा टाइप. ओके, सो यहाँ पे हमारा पॉइंटर नेम क्या है, पी, और जो है इंटीजर. ओके, सो पी इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर एंड डेटा टाइप जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है इंटीजर डेटा. फाइन. देन अभी हमें क्या करना है कि पॉइंटर वेरिएबल एंटर करना है तो उसके लिए हमें एक फंक्शन लगेगा. तो हमने यहाँ पे रीड फंक्शन लिया है बिकॉज हम पॉइंटर नेम रीड कर रहे हैं. सो यहाँ पे एंटर नंबर. ओके, तो कोई भी नंबर अगर हमने एंटर किया पी इक्वल्स टू 5. तो ये जो 5 वैल्यू है ये कहाँ पे स्टोर होगी, पी नाम के पॉइंटर वेरिएबल. फाइन. तो अभी हमें क्या करना है, जो भी पॉइंटर हमने वैल्यू एंटर किए उसे हमें डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हमने डिस्प्ले फंक्शन का यूज किया. तो वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल इज 5. ओके, देन अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे int ऑपरेटर का यूज करके हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया. ओके, सो अगर हमने यहाँ पे int ऑपरेटर यूज नहीं किया तो ये टेस्ट और ये जो टेस्ट है कंस्ट्रक्टर का वो सेम रहेगा. तो उसमें हमें रिक्वेस्ट कैसे पहचान में आएगा, तो उसके लिए क्या किया है, प्रीफिक्स int ऑपरेटर का यूज किया है फॉर डिस्ट्रक्टर. ओके, सो यहाँ पे int ऑपरेटर का यूज करना होता है. तो टेस्ट ऑपरेटर में हम सॉरी डिस्ट्रक्टर में हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर का वर्क क्या है, डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे हम डिलीट ऑपरेटर का यूज करके क्या करता है, डिस्ट्रक्टर जो भी मेमोरी एलोकेट की है डेटा मेंबर को उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है. सो अभी हमने सिंटैक्स देखा था डिलीट ऑपरेटर और पॉइंटर वेरिएबल नेम. सो हमारा पॉइंटर वेरिएबल नेम क्या है, पी, तो इसलिए डिलीट ऑपरेटर और पी. देन हमें मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पे, डिस्ट्रॉयड, जो भी हमने वैल्यू एंटर की है या पॉइंटर वेरिएबल एंटर किया है उसे हमें डिस्ट्रॉय किया है, तो ये मैसेज हमें आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले होना चाहिए. ओके, देन यहाँ पे हमारा क्लास कंप्लीट हुआ है. सो हमने क्लास के अंदर ही क्या किया है, कंस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है, डिस्ट्रक्टर को डिफाइन किया है और जो भी मेंबर फंक्शन हमने प्रोग्राम में यूज किए हैं उन्हें भी हमने इंटरनली मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर और डिफाइन भी किए. फाइन. देन है मेन फंक्शन. सो मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं. सो क्लास नेम एंड ऑब्जेक्ट नेम. क्लास नेम हमारा टेस्ट एंड टी, टी इज अवर ऑब्जेक्ट. ओके, सो बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट एंड डॉट ऑपरेटर और पीरियड ऑपरेटर वी कैन एसेस अ मेंबर फंक्शन. सो ऑब्जेक्ट पीरियड ऑपरेटर एंड रीड फंक्शन. तो जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और रीड फंक्शन को कॉल करेगा तो क्या रीड होगा, एंटर नंबर, जैसे कि हमने यहाँ पे एंटर किया 5 नंबर. ओके, देन इसे हमें डिस्प्ले करना है. सो ऑब्जेक्ट नेम एंड डिस्प्ले फंक्शन. तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या डिस्प्ले होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही फर्स्ट फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर नंबर. ओके, सो हमने एंटर किया 5 नंबर,
देन क्या होगा कि डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, तो डिस्प्ले फंक्शन में क्या आने वाला है वैल्यू, तो वैल्यू हमारी क्या आएगी 5, ओके। तो अब क्या करना है कि डिस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करना है, तो पहले मैंने कहा था कि डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन द कंपाइलर एग्जिस्ट फ्रॉम द मेन फंक्शन। जैसे ही कंपाइलर मेन फंक्शन से एग्जिस्ट लेगा यानी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कंपाइल होगा, वैसे ही क्या होगा कि डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। तो इन्हें ऑब्जेक्ट का यूज करके डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता है, वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है, फाइन। तो क्या होगा जैसे ही डिस्प्ले फंक्शन एग्जीक्यूट होगा कंपाइलर एग्जिस्ट लेगा फ्रॉम मेन मेन फंक्शन, वैसे क्या होगा डिस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। तो डिस्ट्रक्टर में क्या होने वाला है डिलीट की, जो भी हमने की में वैल्यू स्टोर की है, जो भी एंटर की है उसे डिलीट करना है, और मेमोरी एलोकेशन भी डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो यहाँ पे क्या होगा मैसेज डिस्प्ले होगा डिस्ट्रक्ट। तो ये हमारी आउटपुट स्क्रीन, फाइन। तो इस प्रोग्राम में हमने क्या देखा है कि कंस्ट्रक्टर का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट भी किया है और डिस्ट्रक्टर का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय भी किया, फाइन। तो आपको 5 पॉइंट जो है वो याद रखने हैं कि डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर का नेम और क्लास नेम सेम होता है एज अ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के तरह डिस्ट्रक्टर और क्लास नेम का नेम सेम होता है, फाइन। देन सेकेंड पॉइंट है कि डिस्ट्रक्टर को हमें डिफाइन करना होता है एज अ पब्लिकली, तो उसे हमें क्लास में पब्लिकली डिफाइन करते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या होता है कि डिस्ट्रक्टर जैसे ही हम डिक्लेयर करेंगे डिफाइन करेंगे तो उसके प्रीफिक्स में हमें फील्ड ऑपरेटर यूज करना होता है, ओके। देन फोर्थ पॉइंट ये है कि डिस्ट्रक्टर कोई भी पैरामीटर लिस्ट और आर्गुमेंट लिस्ट को एक्सेस नहीं करेगा और उसे कुछ रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, मतलब डिस्ट्रक्टर कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं करेगा और कुछ डेटा टाइप भी वो यूज नहीं करेगा, फाइन। और फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि डिस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया जाता है बाय ऑब्जेक्ट थ्रू, वो ऑटोमेटिकली कॉल होगा जैसे ही कंपाइलर एग्जिस्ट करेगा मेन फंक्शन से, फाइन। तो ये 5 पॉइंट आपको याद रखना है डिस्ट्रक्टर के, ओके। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे।